नासिक से शुरुआत करेंगे खबरों की। यहाँ के बीजेपी दफ्तर पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पथराव किया है। आपको ये बता दें कि शिवसेना के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर नारायण राणे के आपत्तिजनक बयान से खफा है। राणे के खिलाफ पुणे के चतुरशृंगी थाने में युवा सेना की शिकायत के बाद FIR दर्ज कर ली गई है। राणे के खिलाफ IPC की धारा 153 और 505 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कमिश्नर ने नारायण राणे की गिरफ्तारी का आदेश दिया है और इसके लिए DCP बारकुंड की अगुवाई में टीम का गठन किया गया है। नासिक पुलिस की टीम राणे को गिरफ्तार करने रत्नागिरी के लिए रवाना हो चुकी है। तस्वीरें बीजेपी दफ्तर की, जहां पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, शीशे तोड़ दिए। ये हंगामा दरअसल नारायण राणे के खिलाफ है। गुस्सा इन कार्यकर्ताओं का इस कदर फूटा। हमारे संवाददाता दिव्येश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिव्येश, जो बयान नारायण राणे ने दिया, अपने आप में वो बयान भी बड़ा अजीब था और बहुत ही विवादित वो बयान है, और कहीं ना कहीं उसी बात को लेकर के शिवसेना के जो कार्यकर्ता है उनका ये आक्रोश देखने को मिल रहा है। जी, आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो धरना दे रहे हैं, क्योंकि नारायण राणे का जो बयान उन्होंने जो कल दिया था रायगढ़ जिले में उनकी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान, उसी विवादित बयान को प्रोटेस्ट करते हुए शिवसेना के जो सपोर्टर्स हैं, शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुल अब तक 4 FIR इस मामले में दर्ज हो चुकी है। एक नासिक में दर्ज हुई है, एक पुणे में दर्ज हुई है और 2 रायगढ़ जिले के महाड़ इलाके में 2 FIR दर्ज हुई है। नासिक के पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने ये आदेश भी जारी किया है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए नारायण राणे को तुरंत अरेस्ट किया जाए और उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए, जिसके लिए हमें वरिष्ठ अधिकारियों ने यह बताया है कि एक टीम नासिक से चिपलुन रत्नागिरी के लिए रवाना हो गई है, जहां पर इस वक्त नारायण राणे मौजूद है। उन्हें अरेस्ट करने के लिए एक टीम नासिक पुलिस की रवाना हो चुकी है। नासिक के साइबर थाने में एक कंप्लेंट नारायण राणे के विवादित बयान को लेकर भी दर्ज हुई थी। कुल अब तक 4 FIR दर्ज हुई है। नारायण राणे के जो सपोर्टर्स हैं वो भी उनके घर के पास काफी मात्रा में जुटे हुए हैं, मुंबई के जुहू इलाके में और अन्य बहुत सारी जगहों पर। शिवसेना के कार्यकर्ता भी नारायण राणे के इस विवादित बयान को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं नासिक से और अलग अलग जगहों से जो आ रही है, हम देख रहे हैं कि काफी आक्रोशित हैं यहाँ पर शिवसैनिक और लगातार पत्थरबाजी वहां पर कर रहे हैं। क्या अभी भी वहां पर ऐसी ही तस्वीरें हैं या फिर क्या पुलिस वगैरह वहां पर आ गई है? जी, आपको बता दें कि पुलिस ने अपना बंदोबस्त सारी जगह पर लगा दिया है, पर शिवसेना के कार्यकर्ता अभी भी जगह पर मौजूद हैं। जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो हमें जानकारी मिल रही है कि शिवसेना के कार्यकर्ता काफी मात्रा में इन जगहों पर मौजूद हैं और अभी भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी भी धरना दे रहे हैं। कुछ जगहों पर पथराव की भी खबरें आई हैं और इसी को कंट्रोल करने की पुलिस वहां पर कोशिश कर रही है। पुलिस ने काफी बंदोबस्त वहां पर लगाया है। पुणे में, नासिक में और अन्य इलाकों में भी पुलिस बंदोबस्त लगाया जा चुका है। नारायण राणे के मुंबई स्थित जुहू इलाके के घर के पास भी काफी मात्रा में पुलिस मौजूद है, ताकि वहां पर भी किसी तरीके का कोई हादसा ना हो, किसी तरीके का कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। नारायण राणे ने क्या कोई बयान दिया है अपने बचाव में? जी, आपको बता दें, नारायण राणे अभी थोड़ी देर पहले चिपलुन में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई भी इस तरीके का विवादित बयान नहीं दिया, कोई भी आक्षेपार्ह बयान नहीं दिया, पर उनका ये कहना था कि वो नहीं जानते कि शिवसेना कौन है और जो भी है, वो अगर सरकार उनके ऊपर, महाराष्ट्र सरकार किसी तरीके का कोई एक्शन लेती है तो केंद्र में भी उनकी सरकार है, वो भी एक्शन लेगी। और इसी तरीके से वो अपने आप को, उन्होंने ये सफाई दी है कि किसी भी तरीके का कोई विवादित बयान उन्होंने नहीं दिया, ऐसा नारायण राणे का कहना। बिल्कुल, अब सियासत भी इस पर तेज हो गई है। शिवसेना सांसद विनायक राउत ने भी कहा है कि नारायण राणे जो है वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे और कहीं ना कहीं बीजेपी की जो लीडरशिप है उसे इम्प्रेस करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं राणे। जी, नारायण राणे ने जब मुंबई वो लौटे, जब उन्हें यूनियन मिनिस्टर बनाया गया, उसके बाद जब वो मुंबई लौटे, उसके बाद उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की, मुंबई से ही उसकी शुरुआत हुई थी, जिसके बाद उनके ऊपर बहुत सारी FIR दर्ज की गई। मुंबई के अन्य अन्य इलाकों में
कोविड नॉर्म्स को नहीं फॉलो करने की वजह से, भीड़ जुटाने की वजह से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत बहुत सारी एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद नारायण राणे वसई विरार गए। वसई विरार में उन्होंने फिर एक बयान दिया कि एकनाथ शिंदे, जो कि एक वरिष्ठ लीडर हैं, कैबिनेट मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, वो अब शिवसेना से परेशान हो गए हैं, हो सकता है कि वो हमारे यहाँ ज्वाइन कर लें, इस तरीके का भी बयान उन्होंने दिया था, जिसकी सफाई एकनाथ शिंदे ने एक दिन बाद दी। उसके बाद वो रायगढ़ गए, जहाँ पर कल उन्होंने ये विवादित बयान दिया, जिसमें जिसको देखते हुए शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो आक्रामक हो गए हैं और इस तरीके की धरनेबाजी चल रही है, इस तरीके का पथराव भी देखा जा रहा है कि पुणे और नाशिक इलाके में हो रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच इस विवाद को लेकर नवाब मलिक क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मुख्यमंत्री के प्रति भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कान के नीचे थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं, हमें लगता है कि ये मुख्यमंत्री का नहीं पूरे महाराष्ट्र का अपमान है। लोगों को समझना पड़ेगा कि कानून से बड़ा कोई नहीं और निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होगी। हमें लगता है कि जिस तरह से बंगाल में हिंसक वातावरण बनाया गया राणे जी के जरिए, महाराष्ट्र में वही हालात बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है।